हम इस समय मौजूद हैं अमेठी जनपद के मिसरौली में। ये लोकसभा चुनाव के लेकर यहाँ की मतदाताओं की क्या है राय, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इसे जानते हैं, बात करते हैं। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पर विशेष चर्चा, अमेठी जिले के दो अलग अलग गांवों की जनता की क्या है अपनी अपनी राय, इस बार अमेठी से कौन होगा अगला सांसद, स्मृति ईरानी या किशोरी लाल शर्मा, जनता की जुबानी, रिपोर्टर का सवाल, जनता का जवाब। देखिए अमेठी जिले के मिश्रौली और ठेंगहा बाजार की जनता ने क्या कहा। देखिए हमारे यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल के विशेष संवाददाता अंकित अग्रहरी के साथ। क्या नाम है आपका? सांसद के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं, केएल शर्मा या किशोरी लाल? किशोरी लाल शर्मा या स्मृति ईरानी? केएल शर्मा। स्मृति ईरानी क्यों नहीं पसंद? ट्रिपल आईसी उठा ले गए, उधर बीआरओ ऑफिस उठा ले गए, अस्पताल भी बंद करवाया। कौन सा हॉस्पिटल? अरे अस्पताल तो ये सब तो इसी जिले में है ना, तो इस जिले को क्यों वोट देंगे? 5 सालों में इन्होंने अमेठी के लिए कितना विकास किया है? कुछ नहीं विकास किया है, केवल वहीं राजेश मसाला के पास आती है, वहीं से वापस चली जाती है। इधर तो कुछ नहीं किया है। यहाँ आपके गांव में कभी आई नहीं है? आई तो है, 12 किलो 13 रुपए किलो चीनी इन्होंने कहा था बेचवाऊंगी, लेकिन अब आएंगी तो वही जवाब देना पड़ेगा। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था तो वादे पे खरी नहीं। हाँ, हमारे भतीजे प्रधान है देवप्रकाश, वो भाजपा में ही है, उन्हीं के दरवाजे से बात होता है। तब भी लोगों ने कहा कि आप 5 साल से है आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं किया? तो कोई जवाब नहीं दिया और अभी भी कोई उनके पास जवाब नहीं है। हमें जवाब लेने अमेठी आएंगी ही, वहीं से दूर दूर से राजनीति कर सकती। क्या नाम है अंकल आपका? जी ये बताइए कि सांसद के तौर पे आप किसे पसंद करते हैं, केएल शर्मा या स्मृति ईरानी? अमेठी विधानसभा के लिए मतलब नाराजगी के हम स्मृति ईरानी के लेकर नहीं, हमारी नाराजगी की बात नहीं है। जनता जो है वो जो वादा उन्होंने किया बहुत तमाम बोला है। कौन कौन से वादे किए? चीनी का उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा कि कारगर में 87 लाख रुपया मैंने खगड़ा के लिए दिया, उसका भी नहीं। सारी ट्रेन यहाँ से हो गए, वो गई जो सारी चलती भी थी वो सारी ट्रेनें हो गए, मतलब सारी के सारी झूठ ही बोलना है। मुलिया पर से साइड मारो। सांसद के तौर पे आप इस बार केएल शर्मा को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रही, इनका कहना है कि इन्होंने झूठे वादे किए, अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, बात कर। क्या नाम है आपको? ये बताइए लोकसभा चुनाव के लेकर यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो आप मतदान करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का विकास है, यही करेगा। सांसद की बात की जाए तो सांसद के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, केएल शर्मा या स्मृति ईरानी? सबका गंजा कहिए, गंजा हो गया स्मृति ईरानी, क्यों केएल शर्मा नहीं पसंद है? दोबारा मोदी जी देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। एक मिनट मेरा नाम है मोहम्मद फारूक जी, जी। तो ये बताइए सांसद की बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बार अमेठी में क्या बदलाव चाहते हैं या इस दोबारा स्मृति यानी कि अमेठी से सांसद देखना चाहते हैं? हम लोग बदलाव क्यों, बदलाव क्यों चाहते हैं? इसलिए कि स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में झूठ का एक चुनिंदा मान के बात की, उन्होंने साफ लफ्ज में कहा था कि मैं 13 रुपए अगर कांग्रेस 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए बढ़ाती थी तो चिमटा बेलना लेके नाचने लगती थी, यही है। और ये 13 रुपए किलो चीनी नहीं दिया इन्होंने, 13 रुपए किलो इन्होंने 42 रुपए किलो चीनी बिछवा दिया, 1100 रुपए में सिलेंडर बिछवा दिया, 180 रुपए किलो अरहर की दाल बिछवा दिया, 200 रुपए किलो कड़ुआ तेल बेचवा दिया, यही है हमारी सांसद की प्रमुखता। तो मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ बेरोजगारी। दूसरा मुद्दा बताइए, ये जो रात रात भर जागा जा रहा है, किसान बेचारा दिन भर मर रहा है,
और रात के विधानसभा में जाके रखवाली है, यही है हमारे देश का विकास। स्मृति ईरानी कराई, स्मृति ईरानी से ना खुश एकदम पूरी तरह से भाई चाहते हैं। 2.5 लाख से किशोरी लाल शर्मा बैठे थे, और इन्होंने जितनी पैसेंजर ट्रेनें थी उसका किराया एक्सप्रेस करवा दिया। एक भी इतना बड़ा स्टेशन शाहजीपुर बना है, एक ट्रेन नहीं रुकी। सीनियर सिटीजन बंद करा दी, चार चार मंत्रालय का ये कारभार देख रही थी। मोदी सरकार की सबसे मजबूत मंत्रियों में एक भी मंत्री लगाई हुई प्रधानमंत्री नहीं पसंद है। जो आदमी सब दिन प्रधानमंत्री के रहते हुए झूठ बोल रहा हो, वो देश को झूठ के उसमें बंधवा दिया है। और वही 5 किलो राशन देकर एकदम पूरी तरह से जनता को वो बना दिया है, यही मेरी है। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र जी। इस बार लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पे आप इस बार किसे देखना चाहते हैं, केएल शर्मा या डीपी ईरानी? उन्होंने काम किया है अमेठी में, विकास किया है कांग्रेस में, क्या विकास किया? 77 साल से विकास रूप ले गया। अभी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्मृति ईरानी ने विकास ही नहीं किया है, झूठे वादे करती हैं, अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा उन्होंने किया था, उस वादे पे भी जमा नहीं कर पाई। कहाँ 13 रुपए? तो कहे यहाँ 13 रुपए किलो उन्होंने कहा था। हमारी सरकार आए कि हम सांसद बनेंगे, 13 रुपए किलो तो कहते हैं हम 20 रुपए सिलेंडर दे देंगे आप हमारी सरकार। तनखा की बात अपनी नहीं करता, 5000 रुपए तनखा, 40000 रुपए तनखा उठा रहे, उसके लिए मोदी जी को नहीं कहे, सब मोदी जी को ही घेरते हैं। स्मृति ईरानी के कार्य से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, पूरा हमारा इलाका संतुष्ट है जी। तो सांसद के तौर पे नहीं रिपीट देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं, बदलाव नहीं चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं जी। अकेले देखा है जी। सांसद के तौर पे आप किसे पसंद करना चाहते हैं? स्मृति ईरानी क्यों पसंद है, केएल शर्मा क्यों नहीं? काम किए हैं, कौन सा लाल जॉब कर रही है, कौन से काम किए हैं? हर गांव में टंकी है, हर गांव में सड़क बन गई है, नगाड़क पते ना कहाँ से बाजिए। क्या बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं, सड़क पे 8 बजे 10 बजे 12 बजे रात में निकलो, कोई नहीं मिलने वाला है, न गुंडा राज है, ना जो सच्चाई है वही। क्या नाम है? इस बार ये बताइए कि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर आदमी से थे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। मोदी जी नहीं? नहीं। क्यों मोदी जी को नहीं पसंद है? हमारी नौकरी खा गए, हम खुद यहाँ बैठा है, घूम रहा हूँ, नौकरी घूम रहे हैं, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिला है, नहीं मिला, भूखा मारा, नौकरी करिए। तो क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते जी। मोदी जी से नाराजगी क्यों? नहीं बदलाव चाहिए। मोदी जी से नाराजगी क्यों? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तो सांसद के तौर पर किसे देखना चाहते हैं आप? अमेठी से सांसद के तौर पे केएल शर्मा या स्मृति ईरानी? हम पढ़े नहीं, नहीं भाजपा से स्मृति ईरानी आप उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो सांसद के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, केएल शर्मा या स्मृति ईरानी? आइए देखते हैं, इसी कड़ी में और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। यहाँ के कुछ लोग का कहना है कि स्मृति ईरानी के कार्यों से हम ना संतुष्ट हैं, उन्होंने अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। और यहाँ तक प्रधानमंत्री की बात की जाए कि यहाँ का कुछ लोगों का कहना है कि हम राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सांसद के तौर पर देखा जाए तो इस बार किसे आप पसंद करते हैं, स्मृति ईरानी या केएल शर्मा? केएल शर्मा ने कुछ नहीं, मोदी की बाहर है, मोदी की सरकार आएगी, मोदी का सांसद, मोदी की बाहर है, मोदी की सरकार आएगी। सांसद की तौर अमेठी से देखा जाए तो सांसद के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। केएल शर्मा क्यों नहीं पसंद? लेकिन कुछ यहाँ के कुछ लोगों ने की नाराजगी की, स्मृति ईरानी ने कुछ काम ही नहीं किया है, कुछ काम करते कुछ नहीं करते। ये ओवरब्रिज बन गया, हाईवे बन गया, 15 साल पिछले पड़ा था, ये होता है, ये होता है, जगह जगह जो है। और भी लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने कहा था हम 13 रुपए चीनी देंगे, वो भी 13 रुपए की किलो से चीनी या 43 रुपए किलो हो गई है। आलू सोन दे रहे थे, आलू सोन राहुल गांधी आलू सोन निकाल देती है, कोई कम सिपाही बताइए।
इनके कार्यों से खुश है? इनको संतुष्ट है, भाजपा सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ। तो प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते? यहाँ की जनता की राय है कि इस बार हम प्रधानमंत्री के तौर पे दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। इस बार भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। मैं मौजूद है अमेठी जनपद के ठेंगा बाजार में। लोकसभा चुनाव के लेकर यहाँ की मतदाताओं की क्या है राय, यहाँ के मतदाताओं से जानते हैं लोकसभा चुनाव के लेकर यहाँ के मतदाताओं की क्या है राय। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। आइए। नरेंद्र शुक्ला जी, इस बार शासक के तौर पर अरे वो नहीं पसंद है मन। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है, तो विकास हम कहते मिलता है, सब काम हुआ है। तो किन मुद्दों के लिए मतदान करेंगे? ये सब देख के मतदान करें, भगवान राम को लेकर मतदान करें, हिंदू है हिंदू तो लेकर मतदान। राम मंदिर बन जाने से खुश हैं? अरे हम सनातन के अपने खुद से ही खुश हुए थे। तो प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी देखना चाहते हैं। जब तक मोदी रही है नहीं जे पार्टी में आए वो मानो प्रधानमंत्री रहा, बीजेपी में जय जी। बीजेपी के कार्य से संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, सबको संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, करो देश को भी करो। इस बार लोकसभा चुनाव के लेकर सांसद के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? स्मृति यानी या केएल शर्मा, या बदलाव चाहते हैं स्मृति यानी को फिर दोबारा रिपीट देखना चाहते हैं? नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते, जो हिंदू कई रखा तो स्मृति यानी के कार्यों से खुश है? हम खुश। तो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं दोबारा? जो है उन्हीं को देखना चाहते हैं, मोदी जी को। बदलाव नहीं? तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे पसंद करते हैं? मोदी सरकार को पसंद करते हैं, भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं। स्मृति यानी ने 5 सालों में यहाँ कितना विकास किया? नहीं, स्मृति यानी ने 5 साल यहाँ अमेठी से सांसद ही विकास किया कि नहीं? कार्यों से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। तो क्या केएल शर्मा स्मृति यानी को टक्कर दे पाएंगे अमेठी में? भगवान जाने, हम आपको क्या नाम है? नाम सुनिए, सांसद के तौर पर आपको केएल शर्मा कमल के फूल को दिए हैं, कमल के फूल। हाँ, राम भगवान के राम के राम के मोदी के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके यहाँ? कुछ नहीं, आइए जानते हैं। इसी कड़ी में कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। कुछ युवा भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? जा भैया, रुपया नहीं बटा दिया तुम सब। सांसद के तौर पे देखा जाए तो आप किसे पसंद करते हैं, केएल शर्मा या स्मृति यानी? स्मृति यानी। केएल शर्मा क्यों नहीं पसंद? भाई देखिए, मोदी सरकार जो अच्छी सरकार है, देश की सेवा कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, जनता एकदम खुश है, मुंबई शांति है, सबरे आप आ जा रहे हैं रास्ते में, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हम लोग। तो इस सरकार में आप लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सरकार सुरक्षित है, और सपा सरकार में कितना आदमी मुद्दी घूम रही थी कि लोग परेशान थे। सपा सरकार में आप लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे? हो चुका है, कितना देर गुंडे हो रही, लगातार गुंडे हो चुका। सपा तो बहुत गुंडे पार्टी, बहुत गुंडे पार्टी है, बेकार पार्टी है, गुंडे रे जात वालों और आज अपनी धरती में सब अधिगम है, हमारा सब कुछ समान चाहे मिल जाता। इन मुद्दों के लिए आप मतदान करेंगे? देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जो देश की सेवा करेगा उसको। मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? और स्मृति यानी के कार्यों से? ठीक है भी, नहीं कोई वहाँ जो यहाँ पर जिस घटना घटती है वहाँ मौके पहुँच जाती है, वो सबके यहाँ पर राजीव गांधी थे, यहाँ राहुल गांधी तो कभी नहीं किसी दरवाजे गए। 15 साल में राहुल गांधी ने अमेठी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया राहुल गांधी ने। क्या केएल शर्मा स्मृति यानी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, हम सब मुश्किल जान पड़ रहा है, का कहना था, यहाँ के लोगों का कहना था कि इस बार जो स्मृति यानी फिर से सांसद बनेंगी, हम लोग देश और राष्ट्रहित में मतदान करेंगे। और यह जो कि यहाँ की हम लोग की सपा सरकार में कुछ संतुष्ट नहीं थे, गुंडा राज था, इस सरकार से संतुष्ट है, गुंडा राज खत्म है, देश और राष्ट्रहित में हम